आतापर्यंत आपल्या आणि समाजाच्या मागण्यांसाठी शासन दरबारी न्याय हक्कासाठी उपोषण बघितलं आहे, मात्र आज परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अल्पसंख्याक शहर अध्यक्ष मोहम्मद इलियास यांनी जिल्हा कार्यालयासमोर उपोषण न करता चक्क जिल्हाधिकारी यांच्या घरासमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. परभणी शहर मनपाकडून सेवा ज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना वगळून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती कोणत्या आधारे देण्यात आली याचा जाब विचारण्यासाठी इलियास यांनी 2 वेळेस तक्रार देऊनही त्याची दखल शासन दरबारी न झाल्यामुळे इलियास यांनी परभणी जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय घरासमोर उपोषण सुरू केलंय. पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनामध्ये यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. लेटर दिए थे 25 तारीख से उपोषण बैठ रहे बोलता महानगर पालिका में जो पदोन्नतियाँ हुए अतिरिक्त चार्ज दिए पदोन्नतियाँ हुए ये सब गैर कायदेशीर दिए. सेवा ज्येष्ठता यादि के हिसाब से पदोन्नति देना था उससे नहीं दिए उन्होंने. एक 10वीं पास को सहायक बना के बिठाया और एमए के बीए के ग्रेजुएट किए हुए लोग क्लर्क बोल के वहाँ ड्यूटी कर रहे, बिल कलेक्टर बोल के काम कर रहे. और हमने हमने हमारा पूछना ये छे कि भाई तुमने ये पदोन्नति दिए तो कौन से आधार पर दिए? सेवा ज्येष्ठता यादि के हिसाब से दिए क्या? आर्थिक व्यवहार पे दिए क्या? राजकीय दबाव पे दिए क्या? एजुकेशन के हिसाब से दिए या मुंह देख के दिए? कौन से हिसाब से दिए हमारा ये पूछना है. ये 5 आंसर क्वेश्चन है हमारे, इसके 5 आंसर दे दो. तो कुछ ही नहीं दिए ना अब तक. 1 महीने से चल रहा है, पिछले 5 तारीख को दिए, 2-3 बार लेटर दिए, विभाग आयुक्त के दिए, अभी तक कोई चौकसी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं. कलेक्टर साहब ने भी एक प्रमोशन किए वो भी ऐसे ही दिए. कौन से आधार पर दिए हम यही पूछ रहे हैं. वो उसका जवाब दीजिए तो हमारा कुछ नहीं. हमारा बोलना ये है कि रद्द करो और जो ओरिजिनल है नियम से बैठ रहे उनको दे दो, चाहे कोई भी. सेवा ज्येष्ठता यादि आपने तैयार की और आपको हिसाब से दे दो, बाकी हम किसी से कुछ नहीं. कलेक्टर ये सब कलेक्टर साहब ने भी एक किए, नियम के बाहर उन्होंने काम नहीं करते तो फिर किए कैसा उन्होंने? उन्होंने कौन से आधार पर दिए उनको भी तो पता होना ना. क्या लोगों के राजकीय दबाव में होंगे क्या? आर्थिक व्यवहार में दिए? कौन से हिसाब से दिए? हमारा बोलना ये चाहिए उसका जवाब दे दो. हम क्वेश्चन करने का कि कलेक्टर साहब के पास ही चार्ज है वहाँ आयुक्त का, महापालिका होने के बावजूद उन्होंने कभी का महापालिका में आके देखे नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, कुछ नहीं. तो उनके गाड़ी में बैठ के चलता उनका, जो ये लोग नीचे वाले लेके जाते हैं उस पर साइन करते हैं. उपोषण का उन तक पहुंचता ही नहीं ना कलेक्टर, पहुंचता ही नहीं उपोषण का वहाँ पहुँचेगा. अभी आपकी मांगे जो पूरी नहीं हुई तो आप क्या करें? यहाँ बैठेंगे जब तक उपोषण, जब तक मांगे पूरी नहीं होती जब तक.